प्रदेश भर में तमाम पशु आवारा घूम रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें, नट प्रजाति के लोग अभी भी इन पशुओं की सुरक्षा करने का पूरा प्रयास करते हैं और जहां भी रहते हैं वह अपने साथ बहुत से गौवंश को रखते हैं और उन्हें खिलाते पिलाते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जनपद उन्नाव के एक गांव से नट प्रजाति के लोग इन पशुओं को अपने साथ ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, हजारों की संख्या में गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशु इनके साथ में हैं। इन सभी पशुओं को ये जहां भी रुकते हैं वहां ले जाते हैं और इन्हें चारा घास खिलाकर इनका पेट भरते हैं। ये इन्हें छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। या खुले में घूम रहे पशुओं को भी ये अपने पशुओं में कई बार मिला लेते हैं और इनकी सुरक्षा करने का पूरा प्रयास करते हैं। जबकि आम लोग इन गौवंशों की कोई कद्र नहीं करते हैं, इन्हें गली गली घूमने पर मजबूर लोग कर रहे हैं। वहीं पर ये नट प्रजाति के लोग इन पशुओं का ख्याल रख रहे हैं, इन पशुओं की सुरक्षा कर रहे हैं और इन पशुओं से वह स्वयं का भी लाभ उठा रहे हैं। तो हमें इन नटों की प्रजाति से सीख लेनी चाहिए कि पशुओं को छोड़े ना, इनकी सुरक्षा करें और इनसे स्वयं का फायदा उठाएं और इन पशुओं की भी रक्षा करने का काम करें, जो हमारे प्रदेश देश के लोगों के खेतों में, किसानों के खेतों में जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बच सकते हैं। यदि इन नट प्रजाति के लोगों से हम लोग और आप लोग सीख लेकर के इन पशुओं की सुरक्षा करें और इन्हें चारा घास खिलाएं और इनसे दूध लें और इन्हें हल बैल से अपने खेतों में काम लें, जिससे कि पशुओं की भी दिक्कत कम होगी और आपका भी फायदा हो सकता है। यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पशु इंसानों के साथ किस तरह से मिलकर चल रहे हैं, इसी तरह आप लोग अपने पशुओं का पूरी तरह से ख्याल रखें।